आपने कहा अभी हाल में ब्यूरोक्रेसी का जंगल राज, ये मैंने नहीं उठाया। ओके, ये रास्ते में चलते हुए हमको एक रामनगर जगह है, शुरुआती दिनों में जब पदयात्रा शुरू की तो वहां पर एक बैठक में गांव में लोगों ने बताया कि भैया एक सैलून चलाने वाले नई जाति का एक व्यक्ति है, तो लोग बताते हैं कि गांव में बहुत होशियार है भैया, जरा इनसे पूछिए। तो जब व्यक्ति खड़ा हुआ तो मैंने पूछा कि अच्छा ये बताइए आप कितने साल से सैलून चलाते हैं, बताया भैया 30-40 साल हो गया, बच्चे से ही कर रहे हैं। मैंने उससे पूछा कि ये बताओ लालू जी के राज में और नीतीश जी के राज में तुम्हारे जीवन में क्या फर्क आया, क्या दोनों में फर्क है? राइट। उसने जो बात कही वो इतनी मार्के वाली कही कि आज तक उसी को मैं रिपीट कर रहा हूं। ओके। उसने कहा कि भैया दोनों के राज में कोई फर्क नहीं, जनता का हजामत दोनों के राज में बन रहा है। राइट। फर्क इतना ही है कि लालू जी के राज में हजामत अपराधी बना रहे थे, नीतीश के राज में वो हजामत अधिकारी बना रहे हैं। लालू जी के राज में जो अपराधी था वो रात में गन लगाकर लूटता था, नीतीश के राज में जो अधिकारी है वो कलम लगाकर दिन में ही लूट रहा है। लालू जी के राज में जो अपराधी था वो डरता नहीं था। राइट। वो कहता जाओ जिसको जो करना है कर लो, मैं तुमसे रंगदारी लूंगा ही, तुमसे पैसा लूंगा ही। करीब करीब वही स्थिति कमोवेश बन गई है नीतीश के राज में, जहां अधिकारी खुलेआम ये कह रहे हैं कि जहां जाना है कंप्लेन करना है कर दो, नीतीश के दरबार में चले जाओ कंप्लेन कर दो, पैसा तो तुमसे लेंगे ही लेंगे। तो ये बात जो उसने बताई उसके बाद थ्रू आउट पद यात्रा में इस चीज को मैं जहां भी मौका मिला है कहता भी हूं और लोग उसको वैलिडेट।